आप देख रहे हो टैग बगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी जो कि रील्स अपलोड करते हो उस पर व्यूज बढ़ाना चाहते हो, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि किस तरह से वर्क करता है, और इसे ये पता चलने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम पे रील्स पे व्यूज बढ़ा सकते हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर सकते हो। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आप इस वीडियो पे कहीं पे स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे। तो रील्स पे व्यूज क्यों नहीं आते? आप जब भी कोई भी रील्स अपलोड करते हो तो दोस्तों आप जब भी कोई भी रील्स अपलोड करो तो वो आप किस कैटेगरी की रील्स अपलोड कर रहे हो, कैसे कोई भी सॉन्ग या म्यूजिक या कोई भी अनबॉक्सिंग के रिलेटेड कोई भी रील्स अपलोड कर रहे हो, या मतलब कोई फैक्ट्स के रिलेटेड अपलोड रील बना के अपलोड कर रहे हो, तो आप किस कैटेगरी के रील्स अपलोड कर रहे हो वो देखने का है। और उसी कैटेगरी के आप कोई भी एक अकाउंट, मतलब बहुत सारे अकाउंट हो गए उन पे जा देखने का है, और उनके अकाउंट पे मतलब उस मतलब आप जिस भी कैटेगरी के रील सपोर्ट की उस कैटेगरी रील्स में कितने व्यूज आते हैं वो आपको देखने के हैं, और वहां पे जाके जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए होंगे जिस कैटेगरी के आप वीडियो सपोर्ट करते हो उस कैटेगरी के दूसरे के मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज्यादा व्यूज आए हुए तो वो देखने का है। और वहां पे जाके आपको क्या करने का है, उनके जो उसने उस रील्स पे ज्यादा व्यूज आए उस रील्स पे उसने हैशटैग यूज किए होंगे, वो वाले आपको हैशटैग आपकी रील्स के अंदर यूज करने के है, और आपको ज्यादा हैशटैग नहीं यूज करने के, आपको तीन ही हैशटैग यूज करने के है। और आप इस तरह से करोगे और आपकी रील्स अपलोड करोगे तो, और एक चीज मैं बता दूं कि आप ज्यादा हैशटैग यूज करोगे तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो समझ नहीं पाएगा कि आप किस कैटेगरी का आपने वीडियो अपलोड किया है, और इस ये वीडियो किन लोगों को दिखाना चाहिए किन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। आप अलग अलग हैशटैग यूज करते हो तो दोस्तों आप जिस कैटेगरी का वीडियो अपलोड करते हो उसी कैटेगरी के आपको हैशटैग यूज करने हैं, तब जाके उन लोगों के जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग जो मतलब जैसे कि कोई गैजेट्स के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते थे उसके रिलेटेड आपने हैशटैग यूज किए होंगे तो वही हैशटैग यूज किए होंगे, और वहां पे उस बंदे ने किसी और का वीडियो वो वाला देखा होगा तो आपका वीडियो भी वहां पे सजेस्ट करेगा और दिखाएगा, तो डेफिनेटली आपके रील्स पे व्यूज आना चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप ज्यादा हैशटैग ना यूज करें, जिस भी कैटेगरी का आप वीडियो अपलोड करें उसी कैटेगरी का हैशटैग यूज कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप जो करके रील्स अपलोड करते हो तो आपके रील्स में व्यूज आना चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम वर्क करता है, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज ध्यान रखने की है। और दोस्तों आप बात करते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोवर किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो जो मैंने बताया कि आप जिस कैटेगरी का वीडियो अपलोड करते हो उन दूसरे लोग उनके अकाउंट ज्यादा ग्रो हो गए, उनके रील्स पे ज्यादा व्यूज आते होंगे, उनके अकाउंट आपको फॉलो करने के हैं, और वो किस तरह से जो कि वीडियो अपलोड करते हैं वो देखने का है, और वो किस टॉपिक में वीडियोस बना रहे हैं वो भी देखने का है, तो उसके रिलेटेड आपके आपको वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देने का है। और एक मेन चीज मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के अंदर आप डे बाय डे वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करते जाओगे तो डेफिनेटली आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करेगा, जो कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में बता रहा हूं, जिससे आप कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करते हो तब जाके ऐसा होगा। और ये चीज मैंने बता दी, और अब चीज ये आती है कि आप आपके फॉलोअर किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, तो उसी कैटेगरी के आपको अकाउंट फॉलो करने के हैं, और जो भी वो रील्स अपलोड करता है और उस पे रील्स पे ज्यादा व्यूज आते हैं, और डेफिनेटली आपने नीचे देखा होगा कि जिस रील्स पे व्यूज आते हैं वहां पे लोग बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं लाइक करते हैं, तो तब जाके आपको क्या करने का है कि उसी कैटेगरी आप जिस कैटेगरी का वीडियो अपलोड करते हो उनके अकाउंट पे फॉलो करना है, वो लोग अपलोड वीडियो कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में जाके जिन लोगों ने कॉमेंट किया है उनके कमेंट को आपको लाइक करने का है, किसी का कमेंट का रिप्लाई करने का है, ऐसा करते हो तब वो लोग देखेंगे कि इस बंदे ने हमारे जो कमेंट को लाइक किया है, इसने हमारे कमेंट का रिप्लाई किया है, तो वो क्या करेगा कि जब आपका अकाउंट खोल के देखेंगे तो वही बंदा जो पहले वाले गैजेट्स के रिलेटेड वीडियोस देखा था तो वो आपके अकाउंट पे वही वाले वीडियो मतलब उस तरह के वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो वो आपके अकाउंट पे रुक जाता है और वहां पे आपका अकाउंट का रीच बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो आपका अकाउंट
सबको मतलब जो लोग इंटरेस्टेड है गैजेट्स के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं उनको वो आपके अकाउंट के जो रील्स है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है, उनके पास वीडियो चले जाता है। कोई भी एक बार कोई आपका अकाउंट विजिट कर लेता है वहां पर कोई भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो जो कि उनके आपके वीडियोस देखना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए जो कि आप कोई भी वीडियोस अपलोड करो तब आप उनके रिलेटेड कैटेगरी के लोगों को भी आप फॉलो करो, उनके वीडियो को वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे करने से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलोअर बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। ये था जो कि कुछ मेथड जो कि ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर सकते हो, आपके रील्स पे व्यूज भी बढ़ा सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।